नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी के संभल में बड़ा बवाल मचा है। पथराव, आगजनी और गोलीबारी से संभल दहल उठा है। 4 लोगों की मौत भी हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिर क्यों मचा है संभल में बवाल, सच्चाई क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। संभल की जामा मस्जिद, जिसको लेकर इन दिनों विवाद है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये हरिहर मंदिर है, इसीलिए कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे कराया जाना है। रविवार 24 नवंबर 2024 को सुबह 7:30 बजे के आसपास जामा मस्जिद में सर्वे के लिए एडवोकेट और कमिश्नर की अगुवाई में टीम पहुंची थी। इसी दौरान अफवाह फैली कि सर्वे कराने वाली टीम मस्जिद के अंदर खुदाई कर रही है। इसके बाद मुस्लिमों की भीड़ जुटनी शुरू हुई और देखते ही देखते मस्जिद के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों से ये भीड़ भिड़ गई। यहाँ करीब हजारों की संख्या में मुस्लिम पक्ष की भीड़ जुटी थी। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाए, मस्जिद के आसपास आगजनी की, पुलिस पर फायरिंग के भी वीडियो सामने आ चुके हैं। जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं, जिसमें पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प भी देखी जा सकती है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। हिंसा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है, बीजेपी ने उपचुनाव में हुई धांधली को छिपाने के लिए सर्वे कराने के लिए आज की तारीख यानी 24 नवंबर 2024 चुनी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, जब एक बार सर्वे हो गया है तो दोबारा मस्जिद का सर्वे बिना तैयारी के क्यों कराया गया। बीजेपी सरकार ने जानबूझकर सर्वे की टीम को मस्जिद में भेजा ताकि माहौल खराब हो जाए और किसी का भी ध्यान चुनाव में इनकी बेईमानी पर न जाए, कोई चर्चा न कर सके। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी। अब ये जानते हैं कि संभल की जामा मस्जिद का विवाद आखिर है क्या। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2024 से होती है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अपने पिता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत 8 लोगों की ओर से सिविल जज में वाद दायर किया। उनका दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने सर्वे का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के भी आदेश दिए हैं। सर्वे 29 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने को कहा गया, इसीलिए अधिवक्ताओं और कमिश्नर की टीम सुबह सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन वहां पर बवाल मच गया और 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसा के बाद शासन प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मंदिर मस्जिद में कब तक सरकार उलझा कर रखेंगी और आम जनता इसी तरह हिंसा का शिकार होती रहेगी। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सुझाव या शिकायत है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।